को ही आपके मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। आज आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, ये कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक बात रखने का प्रयास कर रही है। क्या किसी गरीब की थाली के बारे में बात करना अपराध है? क्या किसी किसान के बारे में बात करना अपराध है? क्या किसी नौजवान की नौकरी के लिए बात करना अपराध है? यही अपराध आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। जब वो जनता की बात को लेकर सदन में बोलना चाहते हैं तो सदन में उनको बोलने नहीं दिया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर बोलते हैं तो उनकी बातों को काट दिया जाता है। तो क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र हम लोगों ने बनाया है? इसी के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया तो हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया, पूरा सदन बाधित कर दिया गया। मजबूर होकर हमें सड़क पर आना पड़ा। जनता की बात को इन गूंगी बैरी सरकार भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना जरूरी है कि आज जो जनता है वो त्रस्त है। आज जनता के हाथ में महंगाई आपने थमा दी है। आपको वोट दिया तो आपने उनके हाथ में महंगाई थमा दी है, बेरोजगारी दे दी है। आज एक आम परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है ये आपको दिखता नहीं है। आज इसलिए सत्याग्रह की जरूरत आन पड़ी है। मैं तमाम हमारे यहाँ उपस्थित लोगों से ये आग्रह करूंगी कि इस सत्याग्रह को आप लोग जन जन तक पहुंचाएं, गांव गांव तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आने वाला 24 है। इस 24 में हमें भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो जनता को सताएगा जनता उसे 2024 में जवाब देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी आए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती गीता कोड़ा जी को, उनके संबोधन से हम लोगों को काफी हौसला मिला है। अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री बंधु तिर्की जी से भी आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आकर अपना संक्षेप में संबोधन रखेंगे आदरणीय श्री बंधु तिर्की जी। झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी लोगों के अभिभावक और झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर और प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, इस प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, हम सभी लोगों के अभिभावक स्वरूप भारत देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, झारखंड प्रदेश का एकमात्र महिला सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी और इस प्रदेश के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, विधायक राजेश कच्छप जी, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी, उपस्थित भाई अजय नाथ सहदेव जी, शमशेर आलम जी, रविंदर सिंह जी और हमारे गरीब गुरुओं की आवाज को लगातार जोरदार तरीके से उठाते भाई प्रदीप यादव जी, महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा जी, ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो जी, उपस्थित हमारे यहाँ पर राजू रंजन जी, महिला अध्यक्ष गुंजन जी और जितने भी सेकेंड लाइन में बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, समय नहीं है, सभी सम्मानित सभी लोग का नाम ले रहे हैं, और झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक भाई सुखदेव भगत जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे सुरेश बैठा जी, तमाम सम्मानित नेतागण, अमूल नीरज खालको जी से लेके सभी हमारे बड़े प्रदेश के और हमारे जिला के नेतागण, उपस्थित यहाँ पर
दक्षिण छोटा नागपुर एवं आसपास से आए हुए प्रखंड के सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, डेलीगेट, मंच मोर्चा के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और सत महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी सत्याग्रह के पूरे महात्मा गांधी के साथ उनके अगुवाई में चलने वाले हमारे टाना भगत के सभी हमारे टाना भगतगण, उपस्थित हमारे विभिन्न जगहों से आए हुए हमारे ग्रामीण माताएं एवं हमारे प्रेस के मित्रों, मैं बहुत ज्यादा नहीं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये चुनावी सभा नहीं है, ये सत्याग्रह का सभा है, ये चिंतन मनन करने का सभा है। एक आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े, दूसरी आजादी की लड़ाई यहाँ पर झारखंड प्रदेश में, पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और इस प्रदेश में आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय राजेश प्रताप बोले महंगाई आसमान छू रही है, किताब कॉपी से लेकर तमाम चीज का दाम बढ़ते चला जा रहा है, किसान का स्थिति वही है हल है, रोजगार नहीं मिल रही है, तमाम चीजें है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो चीजें हमारे संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, हमारा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता समाप्त किया जा रहा है, ये तमाम चीजों को लेकर के आज हम सभी लोग, यह देश खतरे में है, इसलिए हम सभी लोग मिल करके इस चीजों को जो हमारे नेतागण अभी आपको बताएंगे, इस बात को जाए और गांव गांव में प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर के नीचे बूथ स्तर तक ले जाए, चूंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और आपको मालूम है कि हम जिनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आपका जादूगरी करती है, जिस तरह अपना शब्दों के जाल में हमको फंसाने का काम करती है, इसलिए हमको बहुत संजीदगी से और बहुत संयमित तरीके से हमको इसको मजबूत होना है। अगर हम गांव में मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हम 2024 में इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए इस बात को आपको इस सत्याग्रह के माध्यम से आप जाए और लोगों तक बताए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि हमारे जो प्रभारी जी विगत 13 दिन से पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम जिलों में इसी तरह से सत्याग्रह करते करते आज यहाँ झारखंड के रांची जिला में ये कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं, और यही से एक संदेश जाएगा हमारे जो अपना अनुभव को इस सत्याग्रह